हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग की प्लेटफॉर्म जनरल साइंस सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की एमसीक्यू करा रहा हूं और आज क्लास 9 है। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोग को इस बुक से मैं केमिस्ट्री के 1100 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को लगभग 600 क्वेश्चंस करा चुका हूं, ठीक है। आप लोगों को मैं 700 आज जो हूं मैं आप लोगों को 600 से 700 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी 100 क्वेश्चंस आज भी मैंने पिक किए हैं और 100 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। मैं इसकी प्लेटफॉर्म की फिजिक्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म की फिजिक्स भी करा रहा हूं, प्लेटफॉर्म की केमिस्ट्री भी करा रहा हूं। तो मैंने इसका एक नाम दे दिया, प्लेटफॉर्म जनरल साइंस सीरीज। तो मैं इस वीडियो का लिंक जो हूं आप लोगों को प्लेटफॉर्म जनरल साइंस सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, वो सारे वीडियो का लिंक आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से वो सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जनरल साइंस सीरीज है, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वहां से, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप लोग उस सीरीज को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों की हेल्पफुल जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी अपडेट और बहुत सारे सजेस्टेड क्वेश्चन, जो भी बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आप सबको वो सब चूज करा के कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर है। तो मैं इसकी जितनी भी बुक्स होती है मैं उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग यदि बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से बुक परचेज कर सकते हैं। आप लोग बुक भी परचेज कर सकते हैं और वो आपके क्वेश्चन देख ही लीजिए कि क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, उससे आप लोग को पता नहीं चल जाए क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ठीक है। आप लोग किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि कोई भी समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा हौसला बढ़ेगी ताकि मैं इस सीरीज को पूरा आप लोगों के सामने खड़ा सकूँ। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग हौसला बढ़ेगा, तभी तो सीरीज पूरा हो पाएगा और तभी तो मैं पूरा वीडियो बना पाऊंगा। जब कमेंट होते हैं थोड़े से तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे मज़ा आता है तब वीडियो बनाने में, तब मुझे काम करने में मज़ा आता है। यदि आप लोग लाइक ही कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप लोग को पूरा वीडियो देकर फिर क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से आपको फायदा ही होगा, क्योंकि यदि आप किसी को अच्छी चीज भेजते हैं तो आपको वो भी अच्छी चीज भेजता है, ठीक है। ज्यादा बकवास नहीं कर रहा हूं, COVID-19 से सभी अभी बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो उससे सेफ रहिएगा और ज़्यादा WHO की जितने भी गाइडलाइंस है सिर्फ उसे को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते जाइए और COVID-19 से सेफ रहिए। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, क्वेश्चंस पढ़ा जाता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चनों के बारे में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण है क्षति, ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉन की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो उस रासायनिक प्रतिक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। MlGJKNN2+3H2+2NH3+हीट से उत्पन्न होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः अभिक्रिया करके अभिकारक देता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रेवर्जिबल रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, N2+O2 2N2 ऊष्मा, ठीक है। आप लोग जो है यदि मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर करते जाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ा जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? NaNO3 अपचायक जो है उपचायक नहीं है, NaNO3 जो है उपचायक नहीं है। और आप लोग को K2CrCr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण नंबर है वह जो आप लोग को 6 है, ठीक है। क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या जो होती है 6 है, और आप लोग को इस प्रकार से समझाया भी गया है, K2 में +2 यानी दो आयन होता है, तो उसका 2 लिया गया है, और फिर इसमें भी आप लोग को क्या होता है 2x लिया गया है Cr2 में, तो +2x और -14, तो 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, 2x = 12, तो x = 12/2 तो = 6। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि ऑक्सीकरण संख्या K2CR2O7 में क्रोमियम में जो होती है ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह जो हम लोगों को 6 होती है। किसी परमाणु में जितना आवेश उत्पन्न होता है उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो तो वैसी स्थिति में उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। किसी यौगिक में क्षार धातु का LiNaKPbCr की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 2 होता है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन संख्या +1 होता है।
स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण एक्वारेजिया अम्लराज में घुल जाता है। स्वर्ण क्या होता है? एक्वारेजिया अम्लराज में जो है घुल जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑयल ऑफ विटोरियल किसे कहते हैं? तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, जो कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ होता है उत्प्रेरक कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की गति कम या ज्यादा हो जाता है किंतु वह स्वयं अपरिवर्तित रहता है उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैटालिस्ट कहलाता है। एरोसोल है, एरोसोल द्रव्य ठोस का गैस में विलयन है। एरोसोल जो है द्रव्य ठोस का गैस में विलयन है। ठीक है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए होता है। ठीक है, तो सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है तब उसका तापमान घटकर हो जाएगा। जब सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है तब उसका तापमान घटकर -273°C हो जाएगा और इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है। अम्ल बदल देता है, नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है या लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। तो अम्ल जो है क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल जो है अम्ल बदल देता है नीला लिटमस पत्र को लाल में। यह जो है स्वाद में खट्टा होता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इसका एग्जांपल HCl, H2SO4 और HNO3। H2SO4 को रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। झार का वह पदार्थ है जो स्वाद में तीखा होता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा जल में घुलकर ऑक्सीजन आयन देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आयन प्रदान करता है। NaOH, CaOH, Ca2OH, etc. इसके एग्जांपल्स हैं। चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलयता जो होती है वो बढ़ती है। चीनी के घोल के ताप बढ़ाने पर कार्बन के निम्न अपरूपों यानी एलोट्रॉप्स में किसका प्रयोग काटने और छिद्र ड्रिलिंग करने में किया जाता है? कार्बन के अपरूपों यानी एल्टोट्रॉप्स में हीरा का उपयोग काटने और छिद्र ड्रिलिंग करने में किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो कार्बन जो होता है कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहने वाला तत्व है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन है? तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो आप लोग को बीटा एवं गामा कण का उत्सर्जन है। किसका उत्सर्जन है? बीटा एवं गामा कण का उत्सर्जन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है? तो कार्बनिक यौगिक का उदाहरण जो है इसमें से यहाँ पे साधारण नमक, प्रोटीन, संगमरमर और वाशिंग सोडा दिया गया है। तो इसमें प्रोटीन जो है उसका उदाहरण होगा। क्या होगा? प्रोटीन इसका उदाहरण होगा। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को कहते हैं, ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को उदातीकरण यानी सबलिमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलिमेंशन कहते हैं, उदातीकरण। ठीक है, इसको जिसको हम लोग उदातीकरण यानी उदातीकरण सबलिमेंशन होता है, सबलिमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में रखते जाइएगा। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को कहते हैं, तो इसको हम लोग सबलिमेंशन कहते हैं। कितने आदमी बहुत कुछ लगा देते हैं, वेपराइजेशन, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, तो कम कन्फ्यूज नहीं होना है, सबलिमेशन कहते हैं, इसको दिमाग में रख देना है। किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है कहलाता है। तो परिवर्तन का जो विरोध करता है वह कहलाता है आप लोग को जड़ता। ठीक है, जो भी ये किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति की का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है जड़ता कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ता कहलाता है। अगर कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है या एक समान सरल रेखा पर गतिशील है तो वह गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति को परिवर्तित न कर दे। ठीक है, तो इसे न्यूटन का प्रथम गति नियम या जड़त्व का गति नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल में रेलगाड़ी के अचानक खुलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है और रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल झड़ जाता है। पत्थर से खिड़की पर मारा जाता है तो उसका शीशा टूट जाता है। निम्न में से कौन प्रकृति में प्रतिरोधक प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है? तो कार्बन प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है। प्रोटोन का द्रव्यमान 1.672×10⁻²⁷ kg होता है। ठीक है, तो एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज जो है डब्ल्यू रॉन्टगन के द्वारा किया गया। किसके? डब्ल्यू रॉन्टगन के द्वारा किया गया। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ डैश बनाता है। तो वह पानी के साथ जो है एथिल हाइड्रोजन आबंध के कारण एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? तो प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है।
फ्यूटाइल क्राफ्ट्स अभिक्रिया को एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिलिंग विलयन है तो अमोनिया अमोनिया एकल कॉपर सल्फेट को फेलिंग विलयन कहा जाता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल ए एमिनो अम्ल देता है कहलाता है। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल ए एमिनो अम्ल देता है मात्र प्रोटीन कहलाता है। आदर्श गैस समीकरण है, पीवी बराबर एनआरटी को आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है, सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध उपस्थित होते हैं? NaOH में आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंधन पाए जाते हैं। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन तो पूर्णतः स्वदेशी है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायक या अपचायक यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट होना है? तो SO2 उपचायक एवं उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। शुद्ध जल विद्युत का सम्मान नहीं करता है क्योंकि वह जो है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है वह रूट अंडर वाईपी बाय डी होती है, तो ठीक है, इसको दिमाग में आप लोग को रखते जाना है। लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है? तो लोहे की चादर पर जस्ता जो होती है धातु यह ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है। अर्थ सेल अभिक्रियाएं हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल -0.46 वोल्ट होता है। क्या होता है? -0.46 वोल्ट होता है। लवण पीरियड का POH जो होता है वो 6 है, इसका pH क्या होगा? इसका pH जो होगा वो 8 हो जाएगा क्योंकि आप लोग को OH प्लस H का जो है इक्वल टू 14 होता है, तो वो जो होता है 6 है तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 14-6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। निम्न में से कौन जल में क्लोराइडिड बिलियन बनाता है? तो NaCl जल में क्लोराइडिड बिलियन बनाता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है? स्टार्च का रासायनिक सूत्र C6H10O5N है। कैल्शियम कार्बोडाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? तो कैल्शियम कार्बोडाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर एसिटिलीन गैस हाइड्रोकार्बन देता है। कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह सम्मिलित है? तो कार्बनिक अम्ल में -COOH क्रियात्मक समूह सम्मिलित है, ठीक है। जब धातु के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है, धातु को ऑक्साइड को पानी में घोलने पर झाड़ी या घोल प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं और धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और धातु कहलाते हैं। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ZnH2SO4 के साथ जब प्रतिक्रिया करेगा H4+H2 जो है उसे क्या होगा निकलेगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसके कारण संरक्षण या कोरोजन को रोकता है? स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के कारण संरक्षण यानी कोरोजन को रोकता है। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? अमोनियम नाइट्रोजन को गर्म करने से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। नाइट्रोस ऑक्साइड को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लापिंग गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग बेहोशी करने में होता है। निम्न अम्लों में से सबसे शक्तिशाली अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट प्रोपोनिक अम्ल है। निम्न में से जल अपघटन में अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? प्रोटीन के जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। तो सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से C2H6 इथेन प्राप्त होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलिन सोयल सोल को जमाने में यानी कोगुलेशन में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक है? तो फेरिक ऑक्साइड कोलिन SO को जमाने में कोगुलेशन में KCl विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट सबसे कम सहायक होता है। थायोसल्फेट आयन को आयो टू से उपचयन करने पर निम्न में प्राप्त होता है। थायोसल्फेट आयन को आयो टू से उपचयन करने पर S4O2O6-2 से प्राप्त होता है। फेलिंग बिलियन व बेनेडिक्ट बिलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है। फेलिंग बिलियन व बेनेडिक्ट बिलियन का ग्लूकोज द्वारा प्राप्त अपचयन होने पर Cu2O प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी पदार्थ एक अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट है? तो मुलायम लोहा सॉफ्ट आयन एक अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट है। फ्लेहिंग विलियन व बेनेडिक्ट
बिलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है, फैलिंग बिलियन व वॉनेटिक्ट बिलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर Cu2O प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी पदार्थ एक अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट है? तो मुलायम लोहा, सॉफ्ट लोहा एक अस्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट है। NaCl के निम्न बिलियन में से किसकी विशिष्टता चालकता सबसे कम होगी? तो NaCl में 0.01 वाले विलयन की विशिष्ट चालकता कम होगी, ठीक है। K3FeCN6 में उपस्थित आयनों की संख्या निम्न है, K3FeCN6 में उपस्थित आयनों की संख्या 4 होती है। एक अल्कोहलीय झाड़ी विलयन की अल्कलाइल हैलाइड से क्रिया में मुख्य रूप से निम्न होता है, तो एक अल्कोहलीय झाड़ी विलयन की अल्कलाइल हैलाइड की क्रिया से मुख्य रूप से प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन होता है, तो आप लोग को ये बात दिमाग में रखना है। 2 पेंटोनोल व 3 पेंटोनोल में निम्न द्वारा अंतर किया जा सकता है, तो 2 पेंटोनोल व 3 पेंटोनोल में अंतर आयोडोफॉर्म प्रतिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। आयोडोफॉर्म क्या है, आप यह जान लेते हैं। यह पीले रंग का रवेदार पदार्थ है जिसमें एक तरह की गंध होती है और यह जल में अघुलनशील परंतु अल्कोहल एवं मीतर में घुलनशील है। यह ऊर्ध्वापातित होता है। यह एक तीव्र कीटाणुनाशक यानी बैक्टीरियल पदार्थ है, अतः जीवाणुनाशक यानी एंटीसेप्टिक की तरह इसका उपयोग दवा में होता है। निम्न में से कौन सा यौगिक पानी की भाप में वापसित होता है? तो पैरा नाइट्रोफिनॉल यौगिक पानी की भाप में वापसित होता है। एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी निम्न है, तो हीलियम एक ऐसा निष्क्रिय गैस है जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश के द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया और ऑक्सीजन का आविष्कार ग्रिस्टेल के द्वारा 1772-74 मैरकिया में किया गया। रोडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी के द्वारा 1898 में किया गया और बॉयल के द्वारा गैसीय नियम प्रतिपादन किया गया। किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक ऊष्मायनन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक ऊष्मायन के लिए उत्तरदायी है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया C2H2 दर्शाता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 अम्लीय गुणधर्म दर्शाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत परिवहन है, यशद पुष्प होता है। जिंक ऑक्साइड जैनों को यशद पुष्प कहा जाता है। संश्लिष्ट अपमार्जक किसके बनाए जाते हैं? संश्लिष्ट अपमार्जक वेंजीन सल्फोनिक एसिड या सोडियम साल्ट के संयोग से संयोग कर बनाए जाते हैं। शौच घड़ों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को माना जाता है। शौच घड़ों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। पेयजल में जो कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता जो है पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता 200 है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो विद्युत परिष्करण के दौरान विद्युत विशुद्ध जो है धातु कहाँ पर, तो वो विद्युत धातु जो है एनोड पर एकत्रित होता है। अधिकांश ईंधन कार्बनिक यौगिक है। अधिकांश ईंधन जो है कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन के साथ होते हैं। जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक एजोस्पिरिलम है। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण फ्यूरॉन है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है उस पद पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जा सके। पीरानाशी के रूप में DDT के रूप प्रयोग में हानि है। प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, इसी कारण पीरकनाशी के रूप में DDT का प्रयोग नहीं किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CH4 और NO एवं CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? किसी रेडियो तत्व का आधा जीवन 4 महीने का होता है, इसका 3/4 भाग 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। 3/4 भाग नष्ट हो जाता है तो शेष भाग बचता है 1/4 भाग बचता है, ठीक है, 8 महीनों में। तो दाहक सोडा कैसा होता है? दाहक सोडा परसवेदी होता है। निम्न से कौन सा ठोस स्नेहक है? तो ग्रेफाइट ठोस स्नेहक है। एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। अनुसार वह ठोस एक क्या है? एक श्वेत ठोस पदार्थ एक को गर्म करने पर एक गैस निकलता है जो चूने की पानी को दूधिया बना देता है और बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है और वह ठोस ए जिंक कार्बोनेट होता है। पानी में लटके हुए कोलाइड कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइड कण स्कंदन प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण पानी से लोहा तथा मैग्नीज हटाया जाता है। निम्न में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? मैग्नीशियम सल्फेट सबसे सशक्त स्कंदक है। पादपों द्वारा अवशोषित जल अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा
अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश निकाला जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? तो अवरक ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का कुचालक है, बैड कंडक्टर होता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? अवरक ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर की को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उच्च ज्वर नीचे लाने वाले पदार्थ को जल विरोधी कहते हैं। स्वचालित भारों को रेडिएटर में प्रतिभा के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? स्वचालित भारों को रेडिएटर में प्रतिभा के रूप में एथिल एल्कोहल यानी C2H5 का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर रेडिएटर से इंजन को ठंडा रखा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल द्विरक्षीय द्वि क्षारकीय है। जैव डीजल अभिकारक किसके द्वारा उत्पादित होता है? जैव डीजल अधिकतर उत्पन्न करने वाला फैमिली मालवेसी है, जेट्रेपा यानी जेट्रेपा कर्कश के बीज से जैव डीजल बनाया जाता है। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज निलंबित ठोस पदार्थों को हटाता है, दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकलने के लिए किया जाने वाला उष्मा उपचार कहलाता है। दूध के वितरण से पहले उसे स्थिर करने और रोगजनक बैक्टीरिया को निकलने के लिए किया जाने वाला उष्मा उपचार पाश्चीकरण कहलाता है। पाश्चीकरण की क्रिया में दूध को 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड गर्म किया जाता है तथा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड गर्म किया जाता है 30 डिग्री सेकंड गर्म किया जाता है। उसके बाद दूध को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को पाश्चुराइजेशन कहते हैं। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कैल्शियम का मैग्नीशियम है। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन है। जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कैल्शियम का मैग्नीशियम है। घरों में रसोइयों और स्नानघरों से द्रवों अपशिष्ट को कहते हैं। घरों में रसोइयों और स्नानघरों से द्रवों और अपशिष्ट को मल जल यानी मलिन जल कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु पारिस्थितिक में जैव आवर्त समस्याएं में योगदान करती है? मरकरी धातु पारिस्थितिक में जैव आवर्त समस्याएं में योगदान करती है। एक तार प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो एक तार प्रतिरोध के बारे में यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है और यह गलत कथन है। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? प्लूटोनियम यह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा होता है। लो के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होता है? लोहे से लोहे के विन्यास में अपचयन प्रक्रिया सम्मिलित होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को मैंने शॉर्ट बनाया है ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरा देख सके, इसलिए वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय। और आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।